टीका है एक टकी है निहारतानी चोली। अरे बोली है मुखिया जी खाइब की यहाँ चाइब। अरे बोली है मुखिया जी खाइब की यहाँ चाइब। उसमें डायरेक्ट था कि बोली है मुखिया जी खाइब की चाइब। बोला है कबूतर नीचे चढ़बू के ऊपर। बोला है जहाज बुकिंग काल हो कि आज मयो के मयो। बोला है रानी डीजल पियबू की पानी। यही बर्थडे टू यू फ्रॉम दिस मैटर इन यूएस टू हेल्प यू आर गोरमित आई एम सरकार। साथियों आज हम उपस्थित हैं आरा में और आरा में ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। बड़े बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और पवन सिंह के कार्यक्रम में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है और पीछे से जो साउंड सुनते हैं कभी कभी बीच में और दर्शक सुन रह जाते हैं आखिर ये आवाज़ आया कहाँ से। उन सभी की कलाकारी इनमें कूट कूट के भरा पड़ा है और एक वायरल हुआ था संस्कृत का श्लोक वो कॉमेडी श्लोक था। इन सभी बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ ये छोटे बाबा हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी रील्स बना के करोड़ों मतलब मिलियनों फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं लेकिन उसकी अस्तित्व नहीं होती है जिसके कारण होता क्या है कि अपने आप को तो सेलिब्रिटी समझते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं माना जाता है और उसको मुंबई में उसके लिए अभी भी कोई जगह नहीं है। और जिन्होंने बचपन से ही संघर्ष किया होगा जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कहीं से कहीं दूर दूर तक संगीत से नाता नहीं रहा होगा ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद है और इनसे आज हम बात करने वाले हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केवल भारत टीवी समाचार में। सबसे पहले तो भारत टीवी चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं भोजपुरी भाषा भाषी सभी देशवासियों का हमारे तरफ से वंदन अभिनंदन नमस्कार। मेरा पहला सवाल रहेगा सर आपकी जो उम्र है कहीं ना कहीं बुढ़ापे की ओर है और ये बचपना वाला यंग वाला कहाँ कहाँ से आपके जहन में ये आता है जो कि कार्यक्रम होने के दौरान पीछे से जो एक अजीब सा साउंड आता है पीछे से जो बोलते हैं एक गाना भी आया था ए मुखिया जी मन होखी तब बोली बीच में माई रे माई मतलब सब भाषा में बोला गया है शायद वो आपकी कलाकारी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर फिर बात करेंगे कि सोशल मीडिया का जो दौर है अभी के लोग क्या कर रहे हैं। सबसे तो पहले आप बुढ़ापे का बात किए बुढ़ापा हम कभी महसूस नहीं करते हैं। जी मेरे ही क्षेत्र मेरे ही जिला के वीर बांकुड़ा वीर कुंवर सिंह का 80 बरस में उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था जवानी आया था यहाँ 100 बरस में भी जवानी 18 वर्ष का होता है हम जवानी पाकर मोछिया अपन आइल कुंवर के हम सारा बात करते हैं कहीं बुढ़ापा का बात नहीं करते बुढ़ापा हम कहीं महसूस ही नहीं करते हैं। जी अभी हम समझते हैं अभी 18 साल का है। मैं तमाम दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये सर एक राइटर भी हैं इन्हीं का गाना अभी भी कहीं भी अगर इलेक्शन हो या कोई चुनाव हो वहाँ एक गाना तो बजता ही है ए मुखिया जी मन होखी तब बोली ये कैसे मन में आया जो कि आपने लिख दिया सर इसको। देखिए यही मेरा फील्ड है यही मेरा लाइन है बचपन से मेरा रुझान इसी संगीत की ओर था और करते 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 और कुछ प्रभु की कृपा माँ का आशीर्वाद गॉड गिफ्ट प्रकृति कुछ है फर्स्ट मेरा वही कैसेट में पौनी के एल्बम था उसमें हम धमाल मचा दिया अभी हमने डॉलो के उसमें बोला और वो हाँ और हीट हो गया वो वहीं से मनोबल बढ़ गया और धीरे धीरे जिस लाइन में है तो उस लाइन में कुछ अपना रिसर्च करता है करते गए आगे बढ़ता गया। उस समय तो सर कैसेट का दौर था और कैसेट के जमाने में स्ट्रगल करना काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है सर उस समय जो संघर्ष की कहानी होगी कहीं ना कहीं दुख भरी होगी तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर पहले का संघर्ष और अभी का संघर्ष में क्या अंतर है। आज तो संघर्ष नहीं है डिजिटल इंडिया हो गया है आधुनिक युग हो गया है सोशल मीडिया हो गया पहले जिस टाइम में कैसेट का दौर था तो अच्छे अच्छे सिंगर
कैसेट अपना कंपनी से उठा करके और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे होलसेलर थे कैसेट का जी, पूरा हिंदुस्तान में हर शहर में हर मोहल्ला में हर गांव में झोला में कैसेट ले लेकर के और बांटते फिरते थे कि मेरा भी कैसेट बजवाइए मेरा भी कैसेट बेचिए। वो संघ कहना पड़ता था, वो संघर्ष था। चाहे टी सीरीज में भी हम लोग जाते थे तो टी सीरीज में उसमें वॉइस चेक होता था, खुद गुलशन कुमार जी वॉइस चेक करते थे, जो अच्छा सिंगर था उसको गवाते थे। आजकल लोग यूट्यूब का जमाना आ गया, सोशल मीडिया आ गया, फट से आदमी ब्लास्ट कर जा रहा है, हाईलाइट हो जा रहा है। लेकिन हाईलाइट हो जा रहा है सर, लेकिन मुंबई में उसका कहाँ कोई अस्तित्व है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हाईलाइट हो जा रहा है लेकिन अगर उसको मुंबई में जगह दिया जाए तो क्या कहना चाहेंगे? उसको जगह नहीं नहीं जगह मिलेगा, जो संघर्ष करके जो पढ़ के लिख के जो मेहनत करके एक्टिंग सीख के और फील्ड में आएगा तो वो टिकाऊ रहेगा। ऐसे हम अब हमको जान पहचान है, हम कहीं फिल्म में खड़ा हो गया 10 मिनट का 5 मिनट का रोल कर ले, उससे थोड़ा नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना सीखना पड़ता है। अच्छा, अभी सोशल मीडिया में जो लोग वायरल हो जाते हैं, बड़े बड़े स्टार को टक्कर देने लगते हैं, उसका व्यू ज़्यादा जाने लगता है। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें मनी मिराज की, वो कॉमेडियन स्टार अपने आप को समझते हैं, लेकिन जहाँ तक कॉमेडियन स्टार की बात रही तो हमारे दर्शक भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, भले ही पोहड़पन से वो स्टारडम हासिल किया हो, तो उसको क्या कहना चाहेंगे आज के युग में जो पोहड़ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सोशल मीडिया में? देखिए, पहले शालीनता से पहले का जो दौर था जी, वो आज नहीं है जी। इसी पर हिंदी में एक कहावत है कि कल भी एक दौर था आज भी एक दौर है, लेकिन कल कुछ और था आज कुछ और है। तो वो चीज़ नहीं है जी, जी। वो शुद्धता, वो स्ट्रगल करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा, ललक कि हमको मेहनत करना है आगे बढ़ना है, वो तो बहुत आसान हो गया है आज का। लेकिन आसानी से जो चीज़ मिलेगा टिकाऊ नहीं होता है जी। अब हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे सर, शुरुआती दौर में आपको क्या क्या तकलीफें आई थी जो कि आज इस मुकाम पर हैं? आज छोटे बाबा का नाम सुनने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, इंतजार करने के साथ साथ एक झलक छोटे बाबा अगर स्टेज पर आ जाए तो दर्शन हो जाए तो सब मतलब दर्शक खुश हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ माँ का आशीर्वाद है, कुछ पब्लिक का प्यार है, लेकिन बहुत हम लोग मेहनत स्ट्रगल भी किए हैं। अगर अपना हम रियल जिंदगी का कहानी सुनाने लगेंगे तो मेरा भी आंसू आ जाएगा, सुनने वाले को भी आंसू आ जाएगा। इतना कष्ट से हम लोग इस लाइन से, कोई छुआछूत भी नहीं था मेरे फैमिली में, दूर दूर तक घर के बाहर हम लोग गार्जियन सारा जब सो जाता था तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा 10-12 फीट का एक हाता में गेट है, हमारे यहाँ हाथी रहता था जी। तो आप हाथी भी पालते थे आपके परिवार में? हाँ, तो बहुत बड़ा उसके लिए गेट बना हुआ था। जब सारा जब फैमिली सो जाता था जी, तो 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात हम उठ करके गांव में जो कीर्तन मंडली चाहे भजन कुछ प्रोग्राम संगीत होता था उसमें हम घर से भाग के चले जाते थे, मतलब और गार्जियन से छुप के और सारा फैमिली को जगने से पहले 2-3 बजे 4 बजे भोर में आके फिर अपना बिस्तर पर सो जाते ताकि वो पता नहीं चले कहीं गए। उसी में कहीं धरा, इतना बड़ा 10 फीट का गेट था, उसमें बड़ा बड़ा भाला था, उसमें फांदने के टाइम में जब हम रिटर्न आते थे गांव से, फांदने के टाइम में हो सकता है कोई फैमिली का परिवार उसी टाइम में बाथरूम करने के लिए जग गया है तो बस पकड़ा जाते थे। अब लातम मुकम राडम सारा चीज शुरू, पिटाई उस तो उस कष्ट से हम लोग धीरे धीरे गांव से जवार में, जवार से थाना में, थाना से जिला में, धीरे धीरे चर्चित आदमी होते गया। जब पूरा चर्चा हुआ पेपर मीडिया पत्रिका में, जब नाम छपने लगा जी, तब गार्जियन और फैमिली के तरफ से छूट मिला। अच्छा, जिस समय छूट मिला सर उस समय उससे पहले ये नहीं बताते थे कि आपके गार्जियन की भाई कर रहे हो तो बता के करना चाहिए, छुप छुप के क्यों कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता था इस चीज़ को। अच्छा, इस लाइन को क्या समझते थे पुराने लोग? जो भी मैंने समझते हो, हमारे घर में परिवार में इस लाइन से कोई था नहीं। अच्छा, हमारे फादर प्रोफेसर थे, सारा लोग नौकरी चाकरी शिक्षा में था,
तो इस लाइन से कहीं छुआछूत दूसरे दृष्टि से इस लाइन को लोग देखते थे। अच्छा, अभी भी अब तो ये फैशन हो गया है। कॉलेज में भी हम यहाँ आरा में पढ़ते थे तो कॉलेज छोड़ छोड़ के हम कहीं कहीं फंक्शन में और प्रोग्राम में चले जाते थे। बहुत सारा ऐसा भी हमको स्टेज मिला है कि घर से छुप के हम कहीं प्रोग्राम सुनने गए हैं, कहीं थोड़ा सा मौका मिला, चाय पानी कलाकारों लोग करने लगा तो हम अपना जाकर स्टेज पर धीरे धीरे किसी तरह बैठ जाते थे। बजाते के टाइम में बहुत सारा ऐसा भी आया है समय कि मेरा बाँह हाथ पकड़ कर स्टेज से हमको उतार दिया गया है, भगा दिया गया कार्यक्रम से। बड़े बड़े कलाकारों के सामने हम क्या दूसरे दृष्टि से लोग देखता था, लेकिन फिर भी हमने अपना हट छोड़ा नहीं, लगे रहे। आज प्रभु की कृपा है, वो आशीर्वाद है, आशीर्वाद मिला। तो सर कितने दिनों से इस लाइन में है अभी तक? हमको 30 साल से ऊपर हो गया। 30 साल? हम 15-16-17 साल की उम्र से मैंने इस लाइन में है। इसीलिए कोई सोशल मीडिया पर आके बोलता है दिस दैट उल्टा सीधा, लेकिन हम लोग नहीं बोलते, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग संस्कार व्यवहार विचार से बिलोंग करते हैं। महीना में 10 रुपया कमाएंगे, प्रतिष्ठा इज्जत से कमाएंगे, हम गाली सुन के हमको 1 लाख महीना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात सर, हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि हमें कोई गाली देगा। हम सबके लिए हैं, हमारे लिए सब कोई, कोई मेरा ना दुश्मन है, सारे लोग हमारे हित हैं, सब हमसे किसी का कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा सर, आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, आपका अक्सर देखते हैं पावर स्टार के साथ ही आपका कार्यक्रम अक्सर होता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, और लोगों के साथ क्यों नहीं होता है? नहीं, हम तो सबके साथ कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम मेन उन्हीं का है। अच्छा, उनका अच्छा, वो आपको क्या कह के पुकारते हैं? क्योंकि इधर एक वीडियो वायरल हुआ था, गमछे ऐसे ओढ़ा के डांस करने के लिए बोल रहे थे आपको, मतलब किस सम्मान से पुकारते हैं? देखिए वो कभी आपको लाखों, वो तो देखिए पब्लिक को एंजॉय कराने के लिए, एंटरटेन करने के लिए स्टेज पर कुछ किया जाता है, कुछ मतलब दिखावे के लिए पब्लिक को खुश करने के लिए, लेकिन बहुत हमको सम्मान देते हैं, लाखों पब्लिक के बीच में हमको पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो रिलेशन अलग है। स्टेज पर तो परफॉर्मेंस है, पब्लिक को हंसाना है, खिलाना है, तो कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात सर, जैसे पवन सिंह सर वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, पीछे से एक अनोखा आवाज आ जाता है तो पब्लिक अचानक सुन रह जाती है और पवन सिंह घूम के पीछे देखने लगते हैं, बोलते अरे केले से बोल रस रे, थोड़ा सा उसी में से कुछ सुना दीजिए। तो वो तो अब कौन कैसा गाता है तो उस टाइम में ऐसे मतलब बोलते बोलते निकल जाता है, हमको खुद नहीं याद रहता है कि कल क्या बोले हैं, आज क्या बोले हैं। एक राइटर हैं सर आप, कुछ अपने हाथ से लिखा कुछ सुना दीजिए। सबसे सुनाने से पहले सर एक वो सुना दीजिए, लोटा वाला एक श्लोक जो आपका वायरल हुआ था। देखिए मेरा ये भी बहुत मेरा बहुत पुराना श्लोक है, लेकिन हम नहीं चाहते कि पुराना हो गया बोले, लेकिन पब्लिक चाहे मीडिया वाले लोग अब बुलवाते हैं तो बोलना पड़ता है, तो बोलना ही पड़ेगा। वो दक्षिण भारत का एक पंडित जी थे, बनारस से आए, सावन का महीना था, वो लोटा एक होता है, लोटा में रस्सी बांध के और कुआं से पानी भर भर के स्नान कर रहे थे। उसी टाइम में उनका रस्सी ढीला पड़ गया, लोटा गिर गया कुआं में। अपने लोटा को निकालने के लिए अगल बगल के इर्द गिर्द लोग जुटे, तो उन लोगों से अपने भाषा में कैसे बोल रहे हैं कि कष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरिष्टिका, कष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरिष्टिका, आ कौन है धर्मिष्टिका जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निकाष्टिका। ये बात किसी को समझ में नहीं आया, कुछ विद्वान लोग जुटे, उसको जब हिंदी में अनुवाद किया गया कि काष्टिका के कुष्टिका में लुष्टिका गिरिष्टिका, काशी के कुएं में मेरा लोटा गिर गया है, कौन है धर्मिष्टिका जो काष्टिका के कुष्टिका से लुष्टिका निकाष्टिका, कौन ऐसा धर्मात्मा यहाँ है मेरा काशी के कुएं से लोटा को निकालेंगे, मतलब उसका ये अर्थ होता है। हाँ, भागलपुर के वासियों को कुछ संदेश दे दीजिए। हमारे तरफ से सभी भागलपुर वासियों को वंदन अभिनंदन प्रणाम नमस्कार। आपको व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलजुल कर सब कोई अच्छा से रहें, यही मेरा कामना है। अपने से अपने लेखनी का कुछ प्रदर्शन कर दें हमारे दर्शकों के बीच सर, कुछ नया जो आने वाला है, जैसे एक गाना आया था ना आपका मुखिया जी मन होखी तब बोली, उसी टाइप का अगर कोई धमाल वाला कोई गाना आने वाला है तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए। आने वाला गाना तो बिना रिलीज का नहीं बोला जाता है जी जी क्योंकि वो
ये हो जाएगा ना प्रसाद उसका, हो जाएगा। हाँ। जाते जाते सर एक लास्ट सवाल, सोशल मीडिया में जो खास करके नग्नता जो परोसा जा रहा है अभी छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा, उनके पेरेंट्स को कुछ संदेश दे दीजिए ताकि इसमें थोड़ा बहुत सुधार आ सके, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक रोल मॉडल हैं आप समाज के लिए, आप भी एक पत्रकार हैं, आप स्टेज के माध्यम से दूसरे को संदेश देते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपका अनुसरण करते हैं, तो उसके बारे में दो शब्द रख लीजिए जो कि बच्चियां नग्नता जो रील्स पर हो या यूट्यूब पर हो या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर हो उसके बारे में। देखिए गलत का परिणाम गलत होता है, हम सभी लोग को यही बताना चाहेंगे, संदेश क्या देना है, जो गलत है वो गलत है, पेरेंट्स को भी गार्जियंस को भी सबको समझना है, हर आदमी अपना परिवार को अच्छा तरीका समझाएं, अच्छा दौर में ले जाएं, गलत दौर का सपोर्ट ना करें, क्योंकि गलत गलत होता है, बुरा का परिणाम बुरा ही होता है। अगर अभी के दौर में मुंबई अगर कोई आर्टिस्ट जाना चाहे, स्ट्रगल करना चाहे, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से, क्या संभव है? स्ट्रगल संभव, देखिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हर चीज़ संभव है, क्योंकि सर अभी यूट्यूब आ गया है, अन्य प्लेटफॉर्म आ गया है। ठीक है यूट्यूब आ गया है तो हम एक्टिंग यूट्यूब नहीं ना हमको सिखा देगा, यूट्यूब के माध्यम गायकी हमको यूट्यूब नहीं ना सिखा देगा, बजाना हमको यूट्यूब नहीं ना सिखा देगा, हम बजाएंगे गाएंगे तब ना यूट्यूब पर कोई चढ़ाएगा चाहे खींचेगा तो चढ़ेगा। हाँ, ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा जी, सही बात है सर, एक्टिंग सीखना पड़ेगा, गायकी सीखना पड़ेगा, कलाकारी सीखना पड़ेगा, बादकी सीखना पड़ेगा, ये चीज़ तो सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद ही ना आप कहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो कोई यूट्यूब पर लेगा चढ़ाएगा। जो मेहनत करते हैं सर कभी कभी उसको मंजिल नहीं मिलती है, तो उसको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मेहनत करें जो कि आपके जैसा कॉमेडियन स्टार बन सके, पावर स्टार बन सके और भी स्टार। देखिए इसका दो कारण है, एक तो या तो उसका इस टाइप का अच्छा प्लेटफॉर्म और सर्किल नहीं मिला, और नहीं तो कहीं ना कहीं उसके मेहनत में कमी है। जी, नहीं तो मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता है, नहीं तो हार गया है जी, आधे रास्ते से मुड़। हाँ, लाइन अपना चेंज कर लिया। साथियों ये हमारे साथ बात करने के लिए आज के मेहमान थे छोटे बाबा, जो कि परिचय के आज मोहताज नहीं है, बोलते हुए हंसी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि हम लोग का अंगिका क्षेत्र का जो भाषा, अंगराजकरण की जो धरती है वहाँ का जो अंगिका भाषा है, जो वहाँ की भाषा बोली जाती है, उस भाषा में भी मुखिया जी मनहोखी तब बोली, उसमें एक लाइन है मैयो गे मैयो, जो कि वहाँ भागलपुर में बोला जाता है, मुखिया जी खाइब की अचाई, बहुत सारा बात उसमें बोला गया है, उन सभी वर्ड को किस तरीके से ये जोड़े हैं थोड़ा सा सुन ही लेते हैं सर, किस तरीके से उसको लिखे थे बोले थे। देखिए गाना जो है वो चलता है ना अंग्रेजी तो में भी बीच में बोला गया, बीच बीच में आदमी बोलता है, ऐसे माहौल ऐसे मिजाज बनता नहीं हो पाता है। दो लाइन सर गुनगुना दीजिए। स्टेज पर है परफॉर्मेंस है, आदमी करता है, कोई गाता है ना, कोई मुखिया जी मन होकर तो गाना गा रहा है, तो गाना गा रहा था बीच बीच में जहाँ जहाँ मेरा पार्ट है वहाँ आदमी बोल पाता है, और ऐसे बिना गाना का बोल पाना थोड़ा अजीब लगता है, नहीं मूड में। एक बार सर आप उस गाने को लिखे हैं दो शब्द, एक सिर्फ मुखड़ा गुनगुना दीजिए। अरे की कहे एक टकी है निहारतानी चोली, अरे बोली बोली है मुखिया जी खाइब की चाहिब, उसमें डायरेक्ट था कि बोली बोली है मुखिया जी खाइब की चाहिब, बोला बोला है कबूतर नीचे चढ़बू के ऊपर, बोला बोला है जहाज बुकिंग काल हो कि आज मयो के मयो, बोला बोला है यानी डीजल पियबू की पानी, यही गाने के बीच में ये सब है। ये खुश मिजाज इंसान है और कलाकार का दिल तो कहीं ना कहीं सबको सुकून देता है, और अगर कलाकार नहीं रहे तो मनोरंजन नहीं हो पाएगा, और मनोरंजन नहीं हो पाएगा तो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आज के मेहमान हमारे छोटे बाबा थे, और इनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, जिंदा दिल इंसान है। और बाकी छोटे बाबा सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते हैं, गाना लिखते हैं जवान वाला दिखते हैं एजेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोटे बाबा के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। और बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी दर्शकों को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम।